हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम क्लास 3 चैप्टर नंबर 1 डिग्निटी ऑफ लेबर यानी मजदूरों की अजमत की एक्सरसाइज करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी बुक रीडिंग पढ़ी थी, लेकिन आज की वीडियो में हाँ इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ए एक्सरसाइज है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें से तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। What does the word labor mean? Option 1, asking others to do work. Option 2, work. Option 3, being independent. इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद है which of the following word is closest in meaning to the word mending? Option नंबर 1, to break into pieces. Option नंबर 2, to build something, and option number 3, to repair something that is damaged. Correct option number 3 है। आगे इसके questions हैं, why should we help in household chores? इसका answer है because it is sunnah of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. Question number 2, what are some of the good things about doing our own work? There is great dignity in it. Doing our own work makes us independent and successful. Exercise number B, working with words. Write opposites for these words. You will find them in the passage. जो words दिए हैं उनका जो भी मतलब है उसका opposite हमने word बनाना है, जैसे कि never, ever, no one, everyone, quickly, slowly, liked, disliked, friend, enemy, went, came, come, go, foolish, wise. Fill in the table, change the ending of the missing words by adding or removing s or es. ये कुछ नीचे खाली blanks दी हुई हैं, इनमें हमने s या es को add करके या उसको remove करके words बनाने हैं। जैसे कि सिंगुलर में आया कार, कार्स, बस, बसेस, हैट, हैट्स, ग्लास, ग्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। एनाग्राम्स आर वर्ड्स मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज। मेक एनाग्राम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं इनसे कोई और वर्ड्स भी बन सकते हैं। जैसे रेस है तो इससे केयर भी बन सकता है, हार्ट से अर्थ भी बन सकता है, पार्ट से ट्रैप भी बन सकता है, और नी से कीन भी बन सकता है। उसके बाद हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। कॉन्जुगेशंस हैं वर्ड्स दैट जॉइन अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कॉन्जुगेशंस, यानी कि वो अल्फाज जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं उनको कॉन्जुगेशंस कहते हैं। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, इसमें एंड जो है वो कॉन्जुगेशन है क्योंकि ये ब्लैक और वाइट दो लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है। इसी तरह ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, बिग और स्मॉल, इनमें बट और कॉन्जुगेशन है। अब एक्सरसाइज है कि पुट सूटेबल कॉन्जुगेशंस इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड राइट द कम्प्लीट सेंटेंसेज इन द नोटबुक। इन ब्लैंक्स में हमने कॉन्जुगेशंस को पुट करना है। आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉर्क, शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट, आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इज दैट अ रोबिन और अ स्वेलो, माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट, आई कैन सिंग बट आई कॉन्ट विसल। कम्प्लीट द सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स, पे अटेंशन टू द कॉन्जुगेशन यूज। ये भी कुछ सेंटेंसेज हैं, ही इज टॉल एंड थिन बट ही इज स्ट्रॉन्ग, वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड दे विजिटेड दिस संडे, वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट वी डिड नॉट विजिट देम दिस संडे, we shall buy it in the market or from the shop at the corner, we shall buy it in the market and sell it our shop at the corner,
We shall buy it in the market, but we will not buy it from the shop at the corner. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल होती है, डिग्निटी ऑफ लेबर्स की एक्सरसाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।